Hello everyone, my name is Muskan Kesri and we are studying from Aditya Jain sir SFM class. Aditya Jain sir really teaches very nice because the way he maintains our concept register, it is so in orderly mannered that we can continuously revise it. Even in metros we repeat the concepts what sir taught us. It is so memorable. सर ऐसे पढ़ाते हैं मीन्स हमें जो करेगा हम उसे करेंगे डिस्काउंट पूरा कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेनेशन होता है सर का और ये जो रजिस्टर्स है हम क्लास में इतने ज़्यादा कॉपरेट करते हैं सर के साथ और सर ना इतने आराम से पढ़ाते हैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते कि हम सर से कुछ भी पूछ सकते हैं डाउट सर को इंटरप्ट करके इवन सर इस चीज़ के लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि बच्चे डाउट नहीं पूछते सर आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को डाउट पूछने का प्रॉपर टाइम भी देते हैं मैंने मिस नुसरत खान आदित्य जैन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं इतना अच्छे से हर एक कंसेप्ट को क्लियरली लिखवाते हैं कि हम रिवीजन करने के टाइम पे हमें कुछ भी उस पर ज़्यादा एफोर्ड नहीं करना पड़ेगा और मेरा तो सबसे यही है कि आदित्य जैन सर से ही पढ़ना चाहिए ऐसे फिल्म का और हेलो एवरीवन माय नेम इज़ ऋषभ एंड मैं इनके पॉइंट से बिल्कुल एग्री हूँ कि सर का टीचिंग स्टाइल काफ़ी यूनिक है अगर हम डायरेक्टली मुझे कहना नहीं चाहिए कि मार्केट में और टीचर से अगर हम कंपेयर करें सर का कंपेरिजन किसी के साथ एक्चुअली नहीं है क्योंकि हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर स्टडीज होता है हम हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी कोई हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट एक जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम क्वेश्चन के हिसाब से टैकल करते हैं हमें ये पता लगता है कि एग्जाम में हमें किस टाइप से उस क्वेश्चन को डील करना है तो आई से कि आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं सर के पॉइंट ऑफ व्यू को तो आप ले सकते हैं सर की क्लासेस मेरा नाम करण जैन है या सर मतलब स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी सिखाते हैं इसके अलावा जो CA CMS नहीं कर रहा उसके अलावा जिसको मार्केटिंग का मतलब ट्रेडिंग सीखने वो भी सीख सकता है और उसके अलावा मतलब प्रैक्टिकल दिखा जाए तो शेयर का प्राइस कैसे बनता है बायर को मतलब फॉलो कर रहा है प्राइस कैसे कर रहा है तो हर चीज़ को हैजिंग तक सिखाई जाती है मतलब एक टाइम में अगर मार्केट गिर रही है तो उसको कैसे हैज किया जाए तो मैं ये रेफर करूँगा कि यहाँ कोचिंग रेफर करें आपकी CA फील्ड को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि दैट CAs आर ओनली मेड फॉर ऑडिट्स एंड टैक्सेशन एंड आदित्य जैन सर हैज रियली ब्रेक दैट मिथ बिकॉज सर ने क्लास में हमें इस फील्ड के एक्सपोजर के बारे में एक्सप्लेन किया कि सर हमें एग्जांपल्स देते हैं कि कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो CAs हैं CAs हैं लाइक मिलिंद बारवे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो हमें सर ना एग्जाम्पल देते हैं कि कितने सारे कितने बच्चे जो हैं इस फील्ड में जा सके अगर हम ये फील्ड चूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे टाइमिंग्स बहुत कंफर्टेबल है सर ये सर फाइनेंस फील्ड में कैसे जाना है आगे करियर कैसे बनाना है पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू कि हमें किस कंपनी में प्लेसमेंट कैसे लेना है और इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर ओवरऑल बहुत अच्छा गाइड करते हैं तो इवन स्टॉक मार्केट में जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था अब सर से पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि हाँ इस फील्ड में भी हम अपने आप को करियर ओरिएंटेड देख सकते हैं सर का जो अप्रोच है बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें सर स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा हमें सिखाते हैं कि हमें ऑप्शंस में फ्यूचर्स में इंट्राडे में कैसे डीलिंग करनी है हमें कहाँ पे अपने आप को स्टॉप आउट करना है अगर हम ये नहीं है कि सर ये मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप 100% अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दो सर कहते हैं कि अपना माइंड में एक स्टॉप लॉस रखो आप उसके हिसाब से डीलिंग करिए आप उसके हिसाब से मार्केट में खेले बिकॉज मार्केट में खेलना मतलब बहुत लोग खेलते हैं बहुत लोग फेल होते हैं बट सर हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं कि कहाँ पर आके आपको बिल्कुल स्टॉप होना है और उसके हिसाब से अपने लिमिट्स देखो और उसको अपने सेट करो सर का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है जो सर पर हर एक CA स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड CA स्टूडेंट्स को काम डाउन करने के लिए बोलते हैं हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आराम से पढ़ना हम जो भी है सिचुएशन देख लेंगे सब हो जाओ बिल्कुल फ्री 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 When we step into the place and better believe that you can see we gonna rock and never stop it here we go again hit you with the flow again get up the second time around we bring it on again shout it out buddy you're a boy make a big noise playing in the street gonna be a big man someday got blood on your face come on. Big disgrace kicking your can all over the place sing it we will rock you What I mean, watch your back. We got Queen on his track. Bring the feedback and let it drop. As long as five, bring the funk. Queen, bring the rock, and it don't stop. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face. You big disgrace. Yeah. We will rock you, baby. We will rock you.
action when we step into the place. And better believe that you can see we're gonna rock and never stop it. Here we go again, hit you with the flow again. Pick it up the second time around, we bring it on again. Shout it out. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got blood on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it. Get you in the mood, know what I mean, watch your back.